अभी चंद दिन पहले, तो नहीं मुझे आपको सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए, चंद दिन पहले एक आलिम ने ख्वाब देखा। उस आलिम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था और जाने के बाद मुझे लगा कि कोई जनाजा है। किसी ने कहा कि मुझे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा है। कहा मेरे दिल के अंदर धाइया पैदा हो गया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा है मैं क्यों ना जाकर वहां पर चेहरा मुबारक देख लूं। कहा मैं जाने ही लगा, तब कहा ऐलान किया सफे सीधी कर लो। इतने में जाग गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से जनाजा देख लेना। माबरीन ने कई ताबीरें बयान की है, उनमें से एक ताबीर ये होती है कि उलमा दुनिया से चले जाएंगे। और उसी दिन कश्मीर के बहुत बड़े अच्छे दीनदार साथी, वो बांडीपोरा में रहते थे, नूर हसन साहब, वो तबलीग के साथ जाते, उसी दिन उनका इंतकाल हो गया। और उसी दिन इधर मुजाहिर लोग के मौलाना याकूब साहब, उनका भी इंतकाल हो गया। एक तो ये होता है ये, और दूसरा ये होता है कि जहां से नबी अली सलातो सलाम का जनाजा मुबारक जा रहा हो, समझ लो वहां से दीन जा रहा है। और ये जम्मू कश्मीर का वाक्या है, कोई हमारी जिंदगियों से ऐसे दीन जा रहा है और हमें इसकी परवाह भी नहीं है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमसे गुनाह कोताही हो जाती है, इसलिए हमें करना है तीसरा काम क्या, वयख्शल्लाह, डरना है। और डरने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी है, और तौबा के लिए अपनी जिंदगी का मामूल बनाए, रोजाना हम दो रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ेंगे। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।